हेलो। हाँ जी भाई, करमजीत सिंह, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आली खुर्द। अपना जिहड़ा टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन, जो कि 11वीं क्लास के थर्मोडायनामिक्स यूनिट से लिया गया है। एंथैल्पी का मतलब की होंगे है, टोटल हीट कंटेंट है या एनर्जी कंटेंट है जिहड़ा किसी भी कैमिकल रिएक्शन के लिया जाता है। आम तौर पर बच्चे की करते हैं एंथैल्पी से एनर्जी है जी, इन्हों को कोरलेट कर देंगे, पर ये थोड़ा फर्क है। एंथैल्पी की है, किसी भी कंटेंट के पाई जाने वाली इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम का जोड़ा प्रोडक्ट आम के बराबर होंगी है। ठीक, एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन का मतलब की है, एंथैल्पी इज द हीट कंटेंट इन द थर्मोडायनामिक सिस्टम, कंबस्चन ए केमिकल रिएक्शन इन ए सब्सटेंस बर्निंग इन एटमोसफेयर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द टोटल हीट एनर्जी या टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। आम तौर पर ये की है, एनर्जी है जी इवॉल्व होंगी, इस करके यह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, एक मोल किसी भी सबसटांस का जो बर्न करता है ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, कितनी ऊर्जा जी अपन प्राप्त होंगी है उन्होंने आप एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन कहने हैं। ठीक, आम तौर पर ये हीट इवॉल्व होंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो डेल्टा एच ये आप नैगेटिव लेने, जेकर हीट अबजॉर्ब हो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, तो वो जी डेल्टा एच की वैल्यू आम तौर पर पॉजिटिव ली जाती है। ये भी अपने को साइन कन्वेंशन है जीडिया के जरूरी याद रखनिया चाहिए। एंथैल्पी दी टाइप्स की होंगे ने, जो भी आप कोई कैमिकल रिएक्शन करते हैं ये वक् वक् तरह के रिएक्शन आते हैं, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ एंथैल्पी के नाल डील करते हैं। पहली है अपने को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन, दूजी है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, बॉन्ड एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ डिल्यूशन या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी होंगी है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन ते एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन च की फर्क है। एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन आप कह दें भी एक मोल किसी भी सबसटांस का जो वर्ण करता है किन्नी हीट जी आप प्राप्त होंगी है, पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन की है, जो आप सर्टेन लिमिट ला देने किन्ना उसके विच प्रेशर रखना है, किन्ना उसे टेंपरेचर चाहिए है, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देने उदों जी आप हीट प्राप्त होंगी है उन्होंने आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन कहने। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होंगी है भी जो कोई सबसटांस है हीट करते हैं एटमों के वन मोल ऑफ सबसटांस कन्वर्ट इन टू एटम, जिनी हीट कंज्यूम होंगी है उन्होंने आप एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहने हैं, या किसी रिएक्टेंट के बॉन्ड तोड़ने लिए वन मोल ऑफ द सबसटांस ऑफ द बॉन्ड ब्रोकन लिए कि अपन ऊर्जा की लड़ पी है उन्होंने बॉन्ड एंथैल्पी कहने हैं। लैटिस एंथैल्पी होंगी है किसी सॉलिड एटम के इन्हों के कन्वर्ट करने लिए टोटल जी ऊर्जा की लड़ पी है लैटिस एंथैल्पी कहने हैं। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है जो वन मोल ऑफ सबसटांस किसी सॉलवेंट के पाने सोल्यूशन बनाने तो उदो कि ऊर्जा की खपत होंगी है या हीट अबजॉर्ब होंगी है। ठीक, एंथैल्पी ऑफ डिल्यूशन क्योंकि एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन की एक किस्म, सेवंथ टाइप के है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो वन मोल ऑफ एसड के बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन ये सिंबल है डेल्टा एच डॉट पा के नॉट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज पर मोल या पर यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सबसटांस वेन इट अंडरगो कंबस्चन एंड ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बीइंग इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ स्पेसिफाइड टेंपरेचर एंड प्रेशर। ठीक, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन इज द अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व व्हेन वन मोल ऑफ द सबसटांस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन दैट इज अंडर स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर इज कंप्लीटली वन टू फॉर्म प्रोडक्ट अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन के जिन्नी भी हीट इवॉल्व होंगी है उन्होंने आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन कहने। हम वन मोल ऑफ ब्यूटेन 13/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करता है, बर्न करता है 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 5 मोल
वाटर दे प्रोड्यूस करती है। ये जी आप एंथैल्पी प्रोड्यूस होंगी है 26.58.0 kJ पर मोल। ठीक है, ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन का जो आप मॉलिक्यूलर मास देखिए 58 ग्राम है, 58 ग्राम वर्न करके अपन इन ऊर्जा प्राप्त होंगी है। जो 1 ग्राम आप देखिए इन आप 58 न डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 1 ग्राम के अपने पता लग जाता है इस फ्यूल की फ्यूल वैल्यू कितनी है। इस तरह डिफरेंट फ्यूल लैके उन्होंने 1 ग्राम के किन्नी एंथैल्पी अपन प्राप्त होंगी है, कंबेक्शन होंगी है। तो आप फ्यूल का कंपेरिजन कर सकते हैं कि बैटर फ्यूल है कि बैड फ्यूल है। ठीक, अगर जनरल इक्वेशन है एल्केन के एन नंबर कार्बन आप यूज करते हैं एल्केन के 3N+1/2 मोल है जोड़े ने ऑक्सीजन दे लेने ने, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एन मोल्स प्राप्त होगी, तो वाटर मालीक्यूल की है N+1 वाटर मालीक्यूल प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन है एल्केन की कंबस्टन के, जनरल इक्वेशन फॉर द कंबस्टन ऑफ एल्केन्स। हाँ जी, इसी तरह एंथैल्पी ऑफ ग्लूकोश है, ग्लूकोश आप जब भी कोई फूड खाने डाइजेस्ट होता है ग्लूकोश बन जाता है अपनी बॉडी के ब्लड सैल के ऑक्सीजन लेके बर्न करता है। ठीक, अपन 28.02.0 kJ ऊर्जा प्राप्त होंगी है। हम आप इतने देखिए जो ग्लूकोश है मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम है, 180 ग्राम बर्न करके कंप्लीटली बर्न करता है अपन इन्नी ऊर्जा प्राप्त होंगी है। जो आप 1 ग्राम का आप देखिए वैल्यू कितनी आऊगी, ये सारे अमाउंट में 180 में डिवाइड कर देंगे। ठीक, इसमें आप कैलोरीफिक वैल्यू कहां है। ठीक, इस तरह अलग अलग जोड़े फ्यूल है उन्होंने आप कैलोरीफिक वैल्यू कंपेरेटिव कर सकते हैं कि वैटर फ्यूल फूड जी कि कैलोरीफिक वैल्यू वध है कि घट है। अगे इतने क्वेश्चन एरी है। हाँ जी, कुकिंग गैस है ब्यूटेन प्लस 13/2 mol ऑक्सीजन रिएक्ट करके किन्ने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ किन्ने वाटर मॉलिक्यूल बनाओगी रिलैक्स में। स्टैंडर्ड एंथैल्पी डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज पर मोल और पर यूनिट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक, ग्लूकोश 6 mol ऑक्सीजन के नाल बर्न करता है, किन्ने मोल ये कार्बन डाइऑक्साइड बनू तो किन्ने वाटर मालीक्यूल बनने। इस तरह के जोड़े क्वेश्चन आम तौर पर फिलअप वगैरह आ जाते हैं, ये इन्होंने आंसर ने। ठीक, थैंक यू।